हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने नवरात्रि की पहले दिन की पूजा कैसे की है। तो सबसे पहले हम लोग जो माता रानी की चौकी है उसको हम गंगा जल से पवित्र कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर जो माता रानी की चौकी है उसके ऊपर हम लाल रंग का कोई वस्त्र जो है चौकी पे रख देंगे। अब हम वस्त्र को भी पवित्र कर देंगे गंगा जल से। अब हम इसमें लगाएंगे कुमकुम। अब हम माता रानी की प्रतिमा को जो बीच में है एकदम सेंटर में रख देंगे। उसके बाद हम मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ के लिए रख देंगे। अब हम जो है चावल चावल को हम लोग, क्योंकि हमने उसके ऊपर हमने कलश को स्थापित करना है, तो पहले चावल रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग एक लोटे में पानी डालकर रख देंगे। अब हम कलश में चावल, हल्दी, एक सिक्का और लौंग, इलायची, मिश्री, द्रुबड़ा और ये सब हम पानी में डाल देंगे। उसके बाद हम सुपारी डाल देंगे एक, और हम नारियल को चुन्नी से और मोली से इसको बांध देंगे। अब हम आम के पत्ते लेंगे, इसको हम 5 पत्ते या 7 पत्ते कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके 7 पत्ते लिए हैं और हम लोगों ने इसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दिया है। नारियल का जो मुंह होता है वो हमारी साइड होना चाहिए, जिस साइड हम पूजा कर रहे हैं, और कलश पे हम लोग स्वास्तिक बना देंगे। इसके बाद हम कलश में कुमकुम लगा देंगे और नारियल पे लगा देंगे और चुन्नी पे लगा देंगे जो नारियल के ऊपर है। मैं गंगा जल डालना इसमें भूल गई थी, तो मैंने गंगा जल डाला और इस पे रोली भी डालना लगाना भूल गई थी, तो वो भी मैंने कर दी थी। तो इसके बाद हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को उनकी स्थान पे रख देंगे। इसके बाद हम माता रानी की प्रतिमा पे जो चुनरी है वो ओढ़ा देंगे, और फिर लक्ष्मी और जो गणेश जी हैं उनके ऊपर भी हम जो है चुनरी दे देंगे। इसके बाद चावल और सुपारी से जो है 9 देवियों का हम लोग प्रतिमा बनाएंगे। तो जो ये 9 देवियों की प्रतिमा बनाई है इसको जब हम बना देंगे, जब स्थापित कर देंगे, इसके बाद ये हमें हिलानी नहीं है, बिल्कुल 9 दिन भी बिल्कुल भी नहीं हिलानी है और ना ही कलश को हिलाना है। तो इसके बाद हम लोग माता रानी के ऊपर माला चढ़ा देंगे माता रानी को, और इसके बाद जी हम गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे, और जो लक्ष्मी देवी हैं उनको हम मोली की माला बनाकर वो डाल देंगे। तो गणेश जी को जनेऊ ही डालते हैं और लाल धागा नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसी तरह से जो सुपारी और जो 9 देवियों के स्वरूप बनाए हैं उसके ऊपर हम सूखा कुमकुम डाल देंगे, क्योंकि गीला कुमकुम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फिर हाथ लगेगा तो हिलेगा, तो इसलिए हम उसके ऊपर सूखे कुमकुम से ही कर देंगे जो डाल देंगे उसके ऊपर। और उसके बाद हम जो मोली है वो भी हम इसी तरह से उनको उड़ा देंगे।
इसके बाद हम इसमें माता रानी के चरणों में फूलों को अर्पित कर देंगे। ऐसे ही हम लक्ष्मी, गणेश जी और सभी कहीं हम ये फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जौ को हम भिगो के रखेंगे 1-2 घंटे के लिए, और इसको फिर मिट्टी में हम डाल देंगे और मिट्टी में अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो हमने जौएं भी जो है लगा दिए हैं। तो इसके बाद हम इसको आज ऐसे ही रखेंगे और कल हम इसके ऊपर जो पत्ते हैं वो रख देंगे, जिससे कि जो है जौएं को गर्माहट मिले और वो जल्दी उग जाते हैं। तो इसके बाद हम कुमकुम से माता रानी को जो सभी स्वरूप पड़ी हैं उनको हम जो तिलक लगा देंगे। इसके बाद जोत, धूप और अगरबत्ती हम जगा देंगे, और मैंने यहाँ पे फल और जो पंच मेवे हैं वो रख दिया था। माता रानी का श्रृंगार भी हम रख देंगे, और जो कथा है वो मेरी बेटी ने पढ़ी है, और आज की जो पूजा है वो सभी पूजा मेरी बेटी ने ही की है, और उसका मन था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो खुद करे तो अच्छा है। इसके बाद हम मिट्टी का एक बर्तन ले लेंगे, और जो गोबर होता है उसका उपला होता है जो, उसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे यानी सुलगा लेंगे, और उसके बाद इसमें हम मिट्टी के बर्तन में उसको रख देंगे, और उसमें हम डालेंगे कपूर, घी, पंच मेवे, लौंग, इलायची, गुगल, ये सब डालकर हम इसको जो है इसमें हम हवन सामग्री डालेंगे जय माता दी बोलकर, और 5 बार 7 बार 11 बार डाल देंगे। तो हम लोगों ने इसमें 5 बार डाला है, तो जब भी हम जितनी बार भी हम लोग जो है ये हवन सामग्री डालेंगे, 5 बार डालेंगे, तो 5 बार हम लोग उसको स्वाहा बोलेंगे। जैसे कि हम एक बार डालेंगे तो बोलेंगे स्वाहा, दूसरी बार डालेंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने छोटा सा ये हवन किया है, तो जिस तरह से मुझे आता था, हम लोगों को आता था, हम लोगों ने वैसे ही किया। तो हमारे पहले दिन की नवरात्रि की पूजा आपको कैसी लगी आप बताना ज़रूर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय, जय माता दी।